और उस वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में मेडल पाने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। कल यानी सोमवार शाम 6:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के कई अधिकारी भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। खबर है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को अब सम्मानित किया जाएगा और कल इसके लिए एक कार्यक्रम भी रखा गया है। शाम 6:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है और इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें कई अधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यतेंद्र, और क्या कुछ जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल, कल शाम 6:30 बजे जितने भी ओलंपिक विनर खिलाड़ी हैं उन सभी का सम्मान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा और खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ पूर्व के जो ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं वो और भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, साई के जो अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री चकित कर देने वाले भी काम करते हैं, तो हो सकता है वो खुद स्टेडियम जाकर खिलाड़ियों से मिलें। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई जानकारी प्रधानमंत्री के शामिल होने की नहीं दी गई है, लेकिन खेल मंत्रालय के सूत्रों का आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल पाने वाले अब सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।